ये क्लास एट का चैप्टर नंबर सेवन सेवन बी एक्सरसाइज है हमारी सेवन ए एक्सरसाइज में करा चुका हूँ तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं जिसमें इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर फाइव प्राइम फैक्ट्राइजेशन ठीक है जी तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा स्क्वायर uh, वाला ठीक है ये नंबर है ठीक है तो इसकी आप निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइव से जाएगा फाइव टू जै टू कैरी फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव फाइव मंजर तो कितने हुए इसके फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फ़ाइव तो इसके बाद हमें क्या करना है देखो लिखोगे आप वन ट्वेंटी फाइव क्यूब रूट क्यूब रूट के लिए यहाँ पे थ्री आता है ठीक है याद रखना ये फाइव है तो यहाँ पे भी लगा दो मतलब दोनों साइड आपने क्यूब रूट लगा दिए ठीक है थीके? ऐसे स्क्वायर में हम दो दो के बनाते थे ग्रुप इसमें हम बनाएंगे तीन का तो इसमें हमने तीन का ग्रुप बनाया और हमने ऐसे करके क्या कर दिया इसको हमने कर दिया इसको फाइव ये हमारा आंसर हो गया ठीक है काफ़ी सिंपल था कुछ नहीं था इसमें चलिए एक और देखिए इसका सेकंड पार्ट यहीं पे देखिए वन थ्री थ्री वन ये है तो वन थ्री थ्री वन ये होता है इलेवन का एलेवन वन जलेवन टू बच गया और ये हो गया ट्वेंटी थ्री एलेवन टू जी ट्वेंटी टू वन बच गया ये हो गया एलेवन इलेवन वन ज़ा अब इलेवन वन से इलेवन वन कैरी आ रही है इलेवन अब इलेवन वन ज़ा ठीक है अब आपको ये याद हो जाना चाहिए तो इसका कितना आता है इलेवन एलेवन एलेवन उसके बाद तो हम क्या करेंगे वन थ्री थ्री वन क्यूब रूट लगा के ऐसे और यहाँ पे एलेवन मल्टीप्लाई एलेवन मल्टीप्लाई एलेवन और यहाँ पे भी ऐसे आंसर कितना आ गया एलेवन तीन का ग्रुप बनता है यहाँ पे ठीक है तो याद रखना है आपका क्यूब रूट में तीन का ग्रुप बनता है और स्क्वायर रूट में हमारा दो का ग्रुप बनता है इसका देखिए थर्ड पार्ट उसमें आएगा टू सेवन फोर फोर हमारा ये है ठीक है जी तो इसको लिखेंगे टू सेवन फोर टू है तो टू से जाएगा ठीक है टू वन जी टू टू थ्री ज़ा सिक्स वन कैरी टू सेवन ज़ा फोटीन टू टू ज़ा टू से जाएगा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व वन कैरी टू एट सिक्सटीन वन कैरी टू सिक्स ज़ा टूव टू से जाएगा ठीक है थ्री ज़ा फोर ज़ा थ्री ज़ा ठीक है अभी जी जाएगा सेवन से अगर आपको याद हो तो ठीक है सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट होता है ठीक है यहाँ पर चला गया हमारा सिक्स कैरी चला गया सिक्सटी थ्री हो गया सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री होता है अब जाएगा सेवन से सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन सेवन वन ज़ा तो क्या आ गया इसका इस तरीके से और इस तरीके से तो लिखेंगे टू सेवन फोर फोर क्यूब रूट और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन ठीक है जी इसको कभी भी ऐसे छोड़ के बताना ये स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे थ्री लगाओगे तब माना जाएगा क्यूब रूट और देखो ऐसे होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी एक मिनट कहीं पर लिखा हुआ है टू फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस कलर फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है टू और आपने लिखा है ऐसे तो ये इसके अंदर होता है ये जो गैप है ना इसके अंदर थ्री होता है ऐसे इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ना ऐसे ऐसे तो ये नहीं माना जाएगा ये गलत है इसको ऐसे लिखना है ठीक है ध्यान दे के चलिए तो देखिए ये बन गया और ये बन गया तो कितना हो गया टू मल्टीप्लाई सेवन इक्वल्स टू फोर्टीन फोर्टीन इसका आंसर हो गया फोर्टीन को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका टू सेवन फोर फोर आए फोर ज़ीरो नाइन सिक्स फोर ज़ीरो नाइन सिक्स फोर जीरो नाइन सिक्स टू से करेंगे टू ज़ा जीरो ज़ा और टू फोर ज़ा एट वन कैरी टू एट जा सिक्सटीन टू से करेंगे वन ज़ा जीरो जा टू ज़ा फ़ोर ज़ा टू से करेंगे टू फाइव जा टेन टू वन जा ट टू 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 ज़ा फोर टू से करेंगे टू टू ज़ा फोर वन कैरी टू फाइव ज़ा टेन वन कैरी टू सिक्स जै ट्वेल्व टू से करेंगे जब तक ही वन नंबर है टू से करेंगे टू वन जै टू 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 ज़ा फोर वन कैरी टू एट जा सिक्सटी टू से करेंगे टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा टू से करेंगे टू थ्री ज़रा टू टू ज़ा टू से करेंगे टू वन ज़ा वन करिए टू सी जो ट्वेल्व टू से करेंगे एट ज़ा टू से करोगे फोर टू से करोगे टू टू से करोगे वन ठीक है जी तो कितने टू आ गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह आ गए तो लिख दीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स यहाँ पर लगाओगे आप थ्री ठीक है बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है जी ये थ्री यहाँ पे हो गया छोटा सा तीन तीन का बनता है इसमें पेयर ग्रुप बनता है सॉरी तीन का ग्रुप तीन का ग्रुप ये दो और ये तीन और ये तीन का ग्रुप ठीक है कितने ग्रुप हो गए एक दो तीन चार हो गए एक दो तीन चार दो दोनों चार चार दो चार आठ दो सोलह सोलह को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा फोर जीरो नाइन सिक्स ठीक है चलिए आंसर हो गया रख फिफ्थ पार्ट देखिए इसका उसमें क्या है नाइन वन वन टू फाइव नाइन वन वन टू फाइव आखिरी में फाइव है तो हम फाइव से करेंगे इसको फाइव वन ज़ा फाइव तो यहाँ पे फोर कैरी आ गया मतलब फोर जा तो हो गया फोटी वन फाइव एट हमारा हो गया फोर्टी तो बचा वन और बचा वन इलेवन फाइव टू वन और टू फाइव टू जो टेन टू और फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव ठीक है अब दोबारा इसको फाइव से करेंगे फाइव थ्री ज़रा फिफ्टीन बच गया थ्री और टू फाइव थ्रिक्स ज़र थर्टी बच गया टू और टू फाइव फोर ज़रा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हो गया फाइव फाइव ज़रा ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन ज़रा थर्टी फाइव वन कैरी फाइव टू ज़ा टेन फोर कैरी फाइव नाइन ज़रा अब देखो नौ दस ग्यारह सा अठारह हो गया तो थ्री ज़र करेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स वन कैरी थ्री फोर ज़र ट्वेल्व थ्री थ्री ज़रा नाइन ठीक है चार पाँच छः सात आठ नौ दोबारा इसको थ्री से करेंगे नाइन ना आ रहा है ठीक थी, तो तो है थ्री एट जी ट्वेंटी फोर और थ्री वन सा थ्री से करेंगे थ्री टू सिक्स टू कैरी थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन अब दोबारा थ्री से करेंगे थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री साइ थ्री वन सा ठीक है तो चलिए इससे कितना आ गया तीन बार पाँच है चलिए सो फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव और थ्री कितना है एक दो तीन चार पाँच छः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है जी अब देखिए नाइन वन वन टू फाइव थ्री ठीक है तो ये कितना है फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री यहाँ पे तीन आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमारा क्यूब चल रहा है तो देखिए तीन का ग्रुप तीन का ग्रुप तो कितना आ गया फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टी थ्री जा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा नाइन वन वन टू फाइव सिक्स देखिए थ्री टू सेवन सिक्स एट थ्री टू सेवन सिक्स एट ठीक है जी आखिरी में एट है तो टू से करेंगे टू वन जो टू वन करिए टू थ्री जे ट्वेल्व ठीक है अब टू वन जो टू करेंगे वन जाएगा नहीं तो दोनों के साथ ले तो पहले जीरो आ जाएगा फिर टू नाइन ज़ा एटीन कैरी टू थ्री ट्वेल्व ये सबक आता होगा अगर एक बारी में एक जाता और दोनों नंबर ले रहे हैं तो पहले जीरो लगाते हैं ठीक है अब टू से कीजिए फोर जीरो टू फोर ज़ा एट वन कैरी टू एट सिक्सटीन टू से कीजिए टू वन जा जीरो टू ठीक है टू टू फोर वन कैरी टू फाइव टेन वन कैरी टू सिक्स जो ट्वेल्व टू से कीजिए टू 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 फोर वन कैरी टू एट सिक्सटीन दोबारा टू से कीजिए टू सिक्स जी ट्वेल्व टू फोर जी एट ठीक है सिक्सटी फोर हो गया मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टू से थ्री टू टू से करोगे टू वन जो टू टू सिक्स जी ट्वेल्व टू से करोगे टू एटाटी टू से करोगे टू फोर जी एट टू से करोगे टू टू दूसरे कर दो टू वन सा कितनी बार टू आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन बार आ गया तो टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है जी फिफ्टी बार मैंने लिख दिया इसको तो यहाँ पे क्या घूमा मैं थ्री टू सेवन सिक्स एट ठीक है यहाँ पे क्यूब्रुप बना देता पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छः सात एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है जी तीन का ग्रुप बनेगा थ्री का ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप और ये थ्री ग्रुप और ये फोर ग्रुप और दिन ये, ये और ये फाइव ग्रुप कितने हो गए फाइव ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव फोर फोर टूजा थर्टी टू तो हमारा आंसर आएगा थर्टी टू तो को जब आप थी मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा थ्री टू सेवन सिक्स ए ठीक है चलिए इसको आप कर देते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में इसने बोला है फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एस्टिमेशन हमें एस्टिमेशन के थ्रू क्यूब रूट को फॉलो मतलब फाइंड आउट करना है पहला पार्ट देखिए इसका 800 हंड्रेड जो स्टेप्स में लिखवाऊंगा वो स्टेप्स आपको याद कर लेने उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट्स डिजिट ऑफ नंबर जो नंबर दिया होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? मतलब ये वाली कितनी है जीरो इसके बाद आप लिखेंगे यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ किसी का यूनिट डिजिट कितनी होगी जीरो कैसे देखिए जब इसकी जीरो है ना जब ये नंबर जीरो है तो फॉर एग्जांपल जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो रहेगा यहाँ पे वन होता तो वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन फॉर एग्जांपल ऐसे करते आप यही तो आप करते हो इस तरीके से आप करते है. ठीक है तो आपका कितना आता वन टू होता टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू आई एट पाँच होता पाँच मल्टीप्लाई पाँच मल्टीप्लाई पाँच वन ट्वेंटी फाइव हम ये वाला नंबर लेते हैं फाइव मतलब हम बेसिकली यूनिट्स डिजिट हम लिखना चाह रहे हैं तो यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड ठीक है कितना है इसका जीरो ही आएगा क्यों क्योंकि इसकी यूनिट्स डिजिट हमारी कितनी है जीरो है तो ज़ीरो ही आएगा ठीक है जी अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है ये दो स्टेप हो गए इसके बाद आपको क्या करना है आपको लिखना है नंबर ओपेड आफ्टर रिमूविंग लास्ट थ्री डिजिट्स लास्ट थ्री डिजिट्स कितना हो गया एट मतलब इसमें से लास्ट तीन डिजिट्स को आप हटा दीजिए वन टेंस हंड्रेड तीनों को हटा दीजिए जो बचेगा ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है एस्टिमेशन <coughs> वाले में इसके बाद तो आपको क्या लिखना है देखिए ध्यान देना वन 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 कितना होता है वन टू 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 कितना होता है एट थ्री 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 कितना होता है ट्वेंटी सेवन ये जो नंबर है ना मतलब ये है देखो इनमें मतलब हमें दो नंबर चाहिए एक जहाँ पे मिल रहा है जैसे यहाँ पे मिल रहा है और उससे बड़ा या फिर कुछ केसेज में क्या होगा मिलेगा नहीं छोटा होगा तो छोटा बड़ा लेंगे छोटा बड़ा लेंगे या जो मिलेगा और जो बड़ा लेंगे देखिए एट हो गया यहाँ पर लिखेंगे ऐसे तीन है तो लिखिए तीन तीन का क्यूब तीन का क्यूब बड़ा है आठ से ऑफिस ऑफिसी बात है सत्ताईस होता ही है जिसकी तरफ फेस होता है अगर देखिए फेस यहाँ पर है तो यहाँ पे जो चीज़ होगी मान लीजिए ज़ीरो छोटा है किससे इस जिसकी तरफ हाथ होते हैं हाथ इसकी तरफ हैं तो ये नंबर इस मतलब किसी तरफ फेस है ये नंबर छोटा है किससे छोटा है हाथ की इसकी तरफ हाथ हैं इससे छोटा है ठीक है ऑल तो सब बच्चों को याद होता है लेकिन मैं समझा रहा हूँ बा, काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जल्दी से माइंड में आता नहीं है यहाँ पर आपका लिखोगे यहाँ पर लिखोगे अब इक्वल्स टू कितना टू टू का क्यूब टू का क्यूब करोगे तो बराबर आ रहा है है ना इसके बाद आपको क्या लिखना है इसके बाद आपको लिखना है टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड ठीक है इसकी ये जो नंबर होगा ना हमेशा टू तो ये इसका क्या होगा टेंस डिजिट होगी किसी में थ्री आएगा तो थ्री फोर आएगा तो फोर फाइव आएगा तो फाइव तो क्यूब को हटा देंगे ठीक है ये आपने लिख दिया इतना इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है बस आपका नंबर मिल गया आप लिखोगे हैंस इसका जो क्यूब रूट होगा कितना होगा वंस देखो यूनिट डिजिट कितनी है ज़ीरो और टेंस कितनी है हमारी टू ट्वेंटी कितना होगा इसका ट्वेंटी ट्वेंटी को तीन बार मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर आपका यही आएगा ठीक है जी ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है अच्छा इसके और एक दो पार्ट्स और देखिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा सेकेंड देखिए स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे ठीक है ना सेकेंड पार्ट में क्या है थ्री एट नाइन जीरो वन सेवन थ्री एट नाइन जीरो वन सेवन देखिए जी सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स डिजिट ऑफ ये लिख दो या लिख दो गिवन नंबर गिवन नंबर लिख दो क्या लिख दो गिवन नंबर मतलब जो नंबर आपको दिया हुआ है या फिर नंबर के लिख देना इससे पहले वाले में लिखा था इसमें मैंने गिवन नंबर लिखा हुआ एक ही बात है कितना है सेवन ठीक है आप करेंगे यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर ये जो गिवन नंबर दिया हुआ है सात है ठीक है सात को दी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेवन सेवन जैसे फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन को सात से सेवन नाइन जैसा सिक्सटी थ्री का थ्री बस थ्री ले लेते हैं पूरा में लेना नहीं हमें बस लास्ट का चाहिए था तो हमने लास्ट का ले लिया ठीक है अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं नंबर ऑप्टेंड लिखिए नंबर ऑफ आफ्टर रिमूविंग सॉरी लास्ट थ्री डिजिट्स आफ्टर रिमूविंग लास्ट थ्री डिजिट्स ठीक है जी तो कितना हो जाएगा तीन गोटा हटा दिए जीरो वन सेन हटा दिए कितना हो जाएगा थ्री एट नाइन थ्री एट नाइन ठीक है थ्री नाइन हो गया अब यहाँ पे लिखेंगे थ्री एट नाइन मैंने आपको सिखाया था एक ऐसे होगा अब यहाँ पे देखते हैं मतलब यहाँ पे तो हमेशा ऐसे आया आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू भी आ सकता है और यहाँ पे छोटा वाला सब छोटा वाला साइन भी आ सकता है अब यहाँ पे देखिए थ्री सेवन को सेवन देखो सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन को कितना होता है और एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई एट कितना होता है ये ट्राई कीजिए सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन को सेवन से करोगे तो कितना आएगा या था आपको थ्री सॉरी या आता है आपका वन सेकेंड थ्री फोर थ्री हाँ कितना आता है आपका थ्री फोर थ्री लिखिए थ्री फोर एट एट कितना होता 64, 64 है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को एट से कीजिए यह आपका पाँच सौ बारह ठीक है एट फोर ज़्याटी टू का टू और यहाँ पे आएगा गया थ्री कैदी सिक्स एट जो या एट सिक्स जो फोर्टी एट और थ्री फिफ्टी वन पाँच सौ बारह कितना हो गया पाँच सौ बारह आप ध्यान दीजिए इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था बराबर आ गया था इसमें बराबर नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे एट का क्यूब तो बड़ा है और सात का क्यूब सात क्यूब छोटा है ऐसे है ना सात का क्यूब कर रहे है तो छोटा आ रहा है एट का कर रहे है तो बड़ा आ रहा है तो मैं ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिसके बीच में फंस जाए सात और आठ के बीच में फंस रहा है किसी के लिए ठीक है या फिर किस में होता है या फिर यहाँ पे एक नंबर होता है और यहाँ पे एक नंबर होता है उसके बराबर हो जाता है इस तरीके से तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसका हमारा वही वाला स्टेप टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर है तो या गिवन नंबर लिख दीजिए या फिर नंबर को उठा कर लिख दीजिए ये नंबर होता है हमेशा पहले वाले भी हमने ऐसे किया था हैंस थ्री एट नाइन जीरो वन सेवन का क्यूब रूट करेंगे तो देखिए यूनिट्स यूनिट्स पे कितना ये वाला, ये वाला ये वाला नंबर लिखा था आप ये वाला ये वाला देखिए कितना है थ्री थ्री और टेंस का कितना है टेंस क्यूब रूट याद रखना यूनिट्स क्यूब रूट टेंस क्यूब रूट कितना है सेवन सेवनटी थ्री तो हमारा आंसर आ गया सेवनटी तो सेवनटी थ्री को जब आप तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा थ्री एट नाइन जीरो वन सेवन लास्ट पार्ट देखिए थर्ड पार्ट इसकी एक और प्रैक्टिस कर लीजिए समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से सबसे पहले यूनिट्स डिजिट ऑफ फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स कितनी होगी सिक्स यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स कैसे करेंगे सिक्स को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स इसका आ आ रहा रहा है, है, ठीक है सिक्स आएगी आखिरी डिजिट एक नंबर आएगा आखिरी में सिक्स आएगा ठीक है अच्छा इसके बाद क्या करेंगे अब हम नंबर बस आपको स्टेप्स लर्न uh, करने या फिर रटने हैं नंबर ऑफटेंड फिर आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफटेंड आफ्टर रिमूविंग लास्ट थ्री डिजिट्स हटा दो फोर्टी सिक्स हो गया अब लिखेंगे फोर्टी सिक्स अब देखिए थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री होता है ट्वेंटी सेवन फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर 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 डॉ सिक्सटी सिक्सटी फोर तो ये किसके बीच में आ रहा है फोर और थ्री के कि दोनों का क्यूब कर दीजिए थ्री का क्यूब करेंगे तो छोटा है फोर का क्यूब करेंगे तो बड़ा है इस तरीके से लिखते हैं तो हम लिखेंगे हैं सॉरी टेंस डिजिट निकालेंगे इसके बाद टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स ठीक है जी कितना है हमेशा ये वाला नंबर हैं फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स क्यूब रूट तो कितना आ गया देखिए यूनिट डिजिट क्यूब रूट टेंस डिजिट क्यूब रूट तो पहले यूनिट वाली लिखेंगे सिक्स उसके आगे लिखेंगे ये वाली थर्टी सिक्स को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा ये वाला फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स चलिए रब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने बोला है कि इवेलुएट दी फॉलोइंग हमें इसको इवेलूएट करना है ठीक है तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है इसका फर्स्ट पार्ट है इसका थ्री क्यूब रूट दिया हुए हमें माइनस टू वन नाइन सेवन इसको एवेलट करना है एवेलट करने का मतलब क्या होता है कि आपको इसको क्यूब रूट के बाहर निकालना है बेसिकली देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ये जो माइनस है ना इस माइनस को बाहर रख दो इस माइनस को बाहर रख दो ठीक है ऐसे कर सकते हैं जो माइनस अंदर होगा ना उसको आप बाहर रख देना रख दिया ठीक है इसको ऐसे लिख दो एक ही बात है ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो एक ही बात है ठीक है इसके बाद इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन है जैसे हम सॉल्व करते हुए आए हैं अभी तक ठीक है पहले काउंट कर लेते हैं ऑड नंबर हमेशा हो काउंट कर लेना अगर वो तीन के टेबल में आता है तो फिर वो तीन से डिवाइड हो जाएगा नौ दस सत्रह उन्नीस तीन से डिवाइड नहीं हो रहा पाँच से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि आखिरी में पाँच या जीरो होना चाहिए सात से ट्राई करते हैं इसको सात या इक्कीस सात एक कम सात सात से जाएगा ना सात से भी नहीं जाएगा ठीक तो है तो अब ये हमारा किसी ना किसी का क्यूब रूट होगा ये है तो आप लिखिए थर्टीन से थर्टीन से इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो आएगा वन सिक्स नाइन फिर थर्टीन से करेंगे तो आएगा थर्टीन फिर थर्टीन से करेंगे फिर आएगा वन अगर ये आपको याद नहीं है ना फिर आपको ढूंढना पड़ेगा मान लीजिए आपने थर्टीन से कहा थर्टीन से डिवाइड हो जाएगा तो फिर आप इसको ऐसे करेंगे बेसिकली करते हैं ना थर्टीन वन सा थर्टीन ठीक है ग्यारह में से तीन गए आठ यहाँ पर आपने उतारा नाइन एट्टी नाइन आ फिर आप थर्टीन का टेबल पढ़ेंगे सिक्स बार तो आपका आएगा सेवनटी एट थर्टीन का टेबल पढ़ेंगे आप सिक्स बार तो आपको कितना आंसर आएगा सेवनटी एट फिर माइनस करेंगे नाइन में से एट गया वन एट में से सेवन गया वन फिर यहाँ से उतारेंगे आप सेवन अब ये वन वन सेवन कितने पे आता है ये वन वन सेवन आता है जब आप थर्टीन को मल्टीप्लाई करोगे नाइन से तो आपका आएगा वन वन सेवन ठीक है यहाँ पे नाइन से मल्टीफ्लाई करोगे फिर आएगा आपका वन वन सेवन तो जीरो हो गया तो ये आएगा वन सिक्स नाइन फिर वन सिक्स नाइन को करोगे आप थर्टीन से डिवाइड ऐसे करके थर्टीन वन ज़ा थर्टीन ठीक है तो कितना थ्री आया नाइन आया फिर थर्टीन थ्री जैसे करते थे आपके आंसर आ जाएगा बट तो बेटर है कि अगर आप वन टू ट्वेंटी अगर तो आप याद कर लें ना तो वो अच्छा है आपके लिए ठीक है तो चलिए तो ठीक है ना तो इसको हमने सॉल्व कर दिया क्या कर दिया अब देखिए ये था माइनस टू वन नाइन सेवन ये ऐसे था ना तो आप क्या करेंगे देखिए इसके क्या है थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन है तीन बार हो गए यहाँ पे ये है ये माइनस है इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा तो हो गया थर्टीन अब ये बाहर वाला माइनस इसको दे देंगे ये आंसर हो गया ठीक है इस तरीके से हम इसको एवेल करते हैं चलो शोरअप करता हूँ सेकेंड देखिए सेकेंड में इसने क्या बोला है फाइव वन टू अपॉन में थ्री फोर थ्री ठीक है क्यूब रूट है और ये माइनस है सबसे पहले जो माइनस है उसको बाहर दे देंगे फाइव वन टू अपॉन में थ्री फोर थ्री ठीक है ये माइनस बाहर आ गया अब क्या करेंगे ऊपर वाले का ले लेंगे क्या एल्शियम और अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एल्सियम करके दिखाना है नहीं आपको याद नहीं आप डायरेक्ट आपको याद आप तो है आप डायरेक्ट लिख दीजिए ठीक है तो आठ सौ बारह बता देखिए ये आठ सौ बारह किसका होता है ये होता है एट का एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई एट इसको लिखते हैं आठ सौ बारह थ्री फोर थ्री में किसको लिखते हैं सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन ये बनता है थ्री फोर थ्री सात को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे थ्री फोर थ्री बनेगा आठ को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे पाँच सौ बारह बनेगा करके देख लेना यहाँ पे थ्री है ना और ये माइनस है ठीक है अब चलिए तो तीन तीन का बनता है ऊपर तीन हो गया तो मतलब एट और नीचे तीन हो गया मतलब सेवन और माइनस का माइनस तो हमारा ये आंसर हो गया ठीक है ना समझ में आ गया मैंने कैसे किया है इसको तीन बार लिखा इसको तीन बार लिखा ये ऊपर का तीन का ग्रुप बाहर तीन का ग्रुप बाहर बाहर का माइनस ये माइनस हो गया ये हमारा आंसर हो गया ठीक है चलिए आप इसका थर्ड पार्ट करते हैं चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं तो अगर आपको ये क्यूब रूट्स याद हैं तो देख आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको देख के समझ में आ जाएगा ये टेन है अपॉन में ट्वेंटी सेवन है ठीक है ये माइनस टू है और ये ऐसे है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाते हैं ठीक है तो कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले ट्वेंटी सेवन जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू से तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी सेवन टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में प्लस कर देंगे हम टेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लस करते हैं मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस ट्वेंटी सेवन को टू से करेंगे मल्टीप्लाई हो गया आपका फिफ्टी फोर उसके बाद हम प्लस कर देंगे टेन का हो गया आपका सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर अब वन में ट्वेंटी सेवन ये माइनस है इसको बाहर दे दो ठीक है ऐसी तो किया हमने अब तक बास सिक्सटी फोर किसका होता है फोर फोर का फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर होता है आपका सिक्सटी फोर याद रखना ट्वेंटी सेवन होता है थ्री का थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री 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 जी नाइन नाइन थ्री जाए ट्वेंटी सेवन फोर सिक्सटीन सिक्सटी फोर ठीक है और ये माइनस अभी तीन है तो बाहर आ जाएगा तो फोर ये आ जाएगा थ्री और ये माइनस का माइनस तो माइनस फोर बाई थ्री हो गया ठीक है चलिए इसको भी रब कर दूँ इसको भी रब कर देते हैं फोर्थ पार्ट देखिए इसका वन ज़ीरो सिक्स फोर एट ठीक है ये आपको देखिए देखने में तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है वन टू वन सिक्स सेवन वन टू वन, वन सिक्स सेवन ठीक है और ये अंदर ये का माइनस है ये इस लाइन के आगे माइनस है माइनस लाइन के आगे हो ऊपर हो नीचे हो हमें कोई मतलब नहीं हम बाहर भेजेंगे उसको हर बार ठीक है नीचे माइनस होगा तो भी वो बाहर जाके ऊपर ही चला जाएगा एक ही बात है ठीक है कोई घबराने की जरूरत नहीं है कहीं भी माइनस हो आप माइनस को ऐसे लगा देना बस ठीक है चलिए ये बड़ा सा लग रहा है इसके हम सॉल्व कर लेते हैं क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करोगे या किसी को याद है तो बताओ वन ज़ीरो सिक्स फोर एट किसका होता है कोई बताएगा चलिए बड़ा है थोड़ा करके देख लेते हैं ये वन ज़ीरो सिक्स फोर एट आखिरी में एट है तो टू से जाएगा ठीक है जी टू फाइव ज़र टेन टू थ्री ज़र सिक्स टू टू जै फोर टू फोर ज़ा एट दोबारा टू से करेंगे टू टू जै फोर वन कैरी टू सिक्स जै ट्व वन कै टू सिक्स जै ट्व टू टू जै फोर टू से करेंगे वन थ्री थ्री वन अभी से जाएगा ये तो आपको याद होगा ना वन टू वन इलेवन से इलेवन इलेवन से वन ये मुझे याद है इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया इलेवन वन 11, 23, 11 जा इलेवन टू यहाँ पे आ गया ट्वेंटी थ्री इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू वन यहाँ पे इलेवन वन जा ठीक है ये हो गया तो ऊपर वाले का क्या हो गया टू 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 इलेवन इलेवन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन ठीक है जी जब बड़ा सा आ जाए आपको समझना है तो आप ऐसे कर लेना ठीक है ये माइनस मैंने लगाया बाहर ये माइनस वाला ठीक है जगह मेरी थोड़ी ऐसी होगी इसलिए आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा ठीक है अब ये वाला वन टू वन सेवन वन टू वन सेवन देखिए जी सबसे पहले हमारा ऑट नंबर है तो थ्री से देखते हैं छः सात आठ दस सत्रह सत्रह मतलब सात और एक आठ सात और एक सत्रह हो गया ना दोनों तो को प्लस करो वन प्लस सेवन आठ हो गया थ्री से नहीं जाएगा अब ये सोच लो किसी ना किसी का क्यूब है जब तो ये हमारा होगा ट्वेंटी थ्री से ठीक है किससे होगा ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी थ्री का क्यूब लूटे वैसे ट्वेंटी थ्री से करोगे तो यहाँ पर आएगा फाइव टू नाइन ठीक है फिर ट्वेंटी थ्री से करोगे ठीक है जी तो आपको आएगा ट्वेंटी थ्री फिर ट्वेंटी थ्री से करोगे तब जाके आपको आएगा वन ठीक है यहाँ पे करके देख लीजिए वन टू वन सिक्स सेवन ट्वेंटी थ्री से कीजिए ठीक है सो ट्वेंटी थ्री so का टेबल सबसे पहले आप क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री का टेबल सबसे पहले आप पढ़ेंगे फाइव बार ठीक है तो आपका आएगा वन वन फाइव ट्वेंटी थ्री फाइव से कितना होता है वन वन फाइव अब एक सौ पंद्रह एक सौ इक्कीस तो एक सौ इक्कीस में से एक सौ पंद्रह गए या फिर सिंपल है ग्यारह में से पाँच गए छः ठीक है यहाँ हमने उतारा सिक्स कितना हो गया सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी थ्री टू से करिए फोर्टी सिक्स आ गया सिक्स में सिक्स गए जीरो सिक्स फोर गए टू ठीक है यहाँ से उतारिए सेवन अब ट्वेंटी थ्री का टेबल अगर आप पढ़ेंगे ना नाइन बार कितनी बार नाइन बार तो जब आप ट्वेंटी थ्री का टेबल पढ़ेंगे नाइन बार तो आपका आएगा टू जीरो सेवन नाइन बार पढ़ेंगे तो टू जीरो सेवन हो गया फाइव टू नाइन आ गया फाइव टू नाइन को दोबारा कीजिए इस तरीके से ट्वेंटी थ्री आएगा इस तरीके से आएगा ठीक है तो ये ट्वेंटी थ्री है हमारा कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री ठीक है फिर देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये तीन का बना और ये बना तो ऊपर कितना आ गया टू मल्टीप्लाई एलेवन नीचे कितना आ गया तीन का मतलब एक ही बनेगा ट्वेंटी थ्री तीन दो थे तो एक दो तीन ग्यारह थे तो ग्यारह और बाहर तो माइनस तो माइनस तो लगा दीजिए तो इसको कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू अपन में ट्वेंटी थ्री तो हमारा ये आंसर हो गया ठीक है चलिए इसको रख कर देते हैं फिफ्थ देखिए इसका ठीक है फिफ्थ पार्ट सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी नाइन है और ये हमारा कितना है थ्री देखिए ऐसे करेगी इससे पहले हमने किए थे थोड़े डिवाइड वाले अब आ गए हमारा मल्टीप्लाई ये तो बहुत सिंपल है ठीक है देखिए सिक्सटी फोर है ना ये ये किसका होता है ये होता है हमारा फोर का तो फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर दोनों को मल्टीप्लाई मत करना पहले दोनों को ऐसे सॉल्व कर लेना ठीक है और ऐसा अगर ऐसे सॉल्व नहीं हुआ मतलब दोनों को नंबर हैं दोनों दोनों अलग अलग क्यूब रूट नहीं है तो मिला के उनको मल्टीप्लाई कर लेना फिर देख लेना क्या पता किसी का क्यूब रूट बन जाए ठीक है और ऑबियस ही बात है इन क्वेश्चन में क्यूब रूट बनेगा ही बनेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सिक्सटी फोर है अगर ये ऑलरेडी क्यूब ये भी क्यूब रूट है ये भी क्यूब रूट है तो सबसे पहले ऐसे करने अगर इन दो ये दोनों क्यूब रूट्स नहीं होते मतलब तो इनके क्यूब रूट्स नहीं होते मतलब तो हम ये परफेक्ट क्यूब नहीं होते बेसिकली तो हम क्या करते हैं इनको फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते सिक्सटी फोर किसका है फोर का ये वाला मल्टीप्लाई ये रहा सेवन ट्वेंटी नाइन किसका होता है नाइन को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आंसर अभी देखिए ये बन गया और ये बन गया हाँ ये लगाना मत भूलना ठीक है ये आपको लगाना पड़ेगा तो इसका आंसर कितना हो गया फोर मल्टीप्लाई नाइन इक्वल्स टू थर्टी सिक्स ये इसका आंसर हो गया सिक्स पार्ट देखिए टू वन फाइव अपॉन में टू वन सिक्स ठीक है थ्री ठीक है टू वन फाइव इसका होता है फाइव का होता है सॉरी वन टू फाइव है वही मैं सोचूँ चल क्या रहा है ये वन टू फाइव वन टू फाइव इसका होता है फाइव को तीन बार करोगे तब जाके आएगा आपको वन टू फाइव और टू वन सिक्स तीन बार करने पे आएगा क्यूब रूट ठीक है जी सो फाइव में सिक्स हमारा ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग बाय सक्सेसिव सब सब्ट्रैक्शन सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो उसमें भी हमने किया था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से हमने स्क्वायर रूट निकाला था क्या करते थे ऑड नंबर माइनस करते थे वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन ठीक है बहुत ईजी था इसमें थोड़ा तो डिफरेंट है लेकिन सीख जाएंगे आप देखिए कैसे करते हैं पहले आप इसको इसका रूल समझ लीजिए फिर आप सॉल्व करते रहना रूल आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए ना एग्जांपल 15 दिया हुआ है 16 दिया हुआ है 17 जो भी है एग्जांपल 15 हो गया फॉर एग्जांपल तो वो डायरेक्ट किया हुआ है उसने कोई रूल नहीं समझाया तो रूल आपको आना चाहिए कोई आपसे पूछेगा तो बता देना लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट करना है पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ देखिए रूल कैसा होता है 1 वन स्क्वायर सॉरी वन क्यूब होता है हमारा वन टू क्यूब हमारा कितना होता है एट ये आपको याद होना चाहिए थ्री क्यूब हमारा कितना होता है थ्री थ्री जर नाइन नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन फोर क्यूब हमारा कितना होता है फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन फोरजा सिक्सटी फाइव क्यू हमारा कितना होता है फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव या वन ट्वेंटी फाइव ठीक है सिक्स की हमारा कितना होता है सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स या टू वन सिक्स सेवन क्यू हमारा कितना होता है सेवन सेवन या फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन सेवन या थ्री फोर थ्री ठीक है एट क्यू हमारा कितना होता है एट एट ज़ा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर एट ज़्याव वन टू ठीक है ये सारे आपको क्या होने चाहिए ये सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है ना तो फिर उसमें आप क्या करेंगे आप सॉल्व करते रह जाएंगे उसको आपको टाइम ख़राब होगा इसलिए आप ये इसको याद कर लेना ठीक है नाइन क्यूब वाला कितना होता है अभी करता हूँ मैं थोड़ी देर पहले नाइन नाइनज़ा एटी वन एटी वन नाइनज़ा सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है हंड्रेड क्यूब कितना होता है ये तो आपको याद होगा टेन टेनजा हंड्रेड हंड्रेड टेन ज़ा ठीक है दस की पावर तीन तो तीन जीरो आ गए ठीक है ये होता है तो सक्सेसिव सब्रेक्शन सक्सेसिव का मतलब क्या होता है एक के बाद एक आने वाला इसका पैटर्न अलग है इसका पैटर्न थोड़ा अलग है इससे पहले जो अगर हम आपको निकालना है स्क्वायर रूट तो बहुत सिंपल है इसका देखो क्या है इसमें वन लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे देखिए टू क्यूब रूट माइनस वन क्यूब रूट ठीक है इसमें क्या लिखेंगे थ्री क्यूब रूट माइनस टू क्यूब रूट फोर क्यूब रूट माइनस थ्री क्यूब रूट सॉरी क्यूब फाइव क्यूब माइनस सिक्स क्यूब ठीक है सेवन क्यूब माइनस देखिए वन लिखेंगे इसमें क्या करेंगे टू क्यूब माइनस वन क्यूब ठीक है इसमें क्या थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब इसमें फोर माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री यहाँ क्यूब भी आएगा वो बाद में लगा लेना जल्दी जल्दी जल लिख रहा हूँ मैं बस लिखने का तरीका है अरे फाइव माइनस फोर होगा ना जल्दी के चक्कर में गलत भी हो जाता है भाई ठीक है अभी फाइव माइनस फोर हो गया अब इसमें क्या है सिक्स माइनस फाइव इसमें क्या है सेवन माइनस फाइव इसमें क्या है एट इससे ऊपर वाला माइनस करना होता है माइनस सेवन इसमें क्या है नाइन माइनस सेवन इसमें क्या है टेन माइनस सेवन सबका क्यूब लगा दीजिए क्यूब 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 क्यू ठीक है ये कितना होगा देखिए मतलब एट माइनस वन कितना सेवन ठीक है ये कितना होगा ट्वेंटी से मतलब देखिए इसमें से इसको इसमें से इसको मतलब इसमें से इसको इसमें से इसको यही बात है ना तो कितना हो जाएगा ये सिक्सटी फोर माइनस एट ठीक है ये कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फोर ये कितना हो जाएगा टू वन सिक्स माइनस वन टू फाइव ये कितना हो जाएगा थ्री फोर थ्री माइनस टू वन सिक्स ये कितना हो जाएगा फाइव वन टू माइनस थ्री फोर थ्री ये कितना हो जाएगा सेवन टू नाइन माइनस फाइव वन टू ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब टेन सॉरी थाउजेंड माइनस सेवन टू नाइन इसके आगे हम लिख लेंगे नंबर ठीक है सौ सातों ने लिखी दिया ठीक है इसके आगे, आगे लिख है आप लिख लोगे आप नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा नाइन्टीन आ जाएगा ठीक है उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा थर्टी सेवन फिर अगला सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सिक्सटी वन ठीक है फिर अगला सॉल्व कीजिए तो आपका इसका आ जाएगा नाइन्टी वन अगला सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा वन टू सेवन अगला कीजिए सॉल्व तो आपका आ जाएगा वन सिक्स नाइन अगला कीजिए सॉल्व तो आपका आ जाएगा कितना टू वन सेवन ठीक है अगला सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा टू सेवेंटी वन ठीक है सॉरी ये आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको करना होता है तो आपको क्या करना है बेसिकली ये आपका पैटर्न है दस के आगे जाना होगा तो पैटर्न आपको पता है वो ना करके आप ये बस दस याद कर लो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं अगर आ गया तो दस तक तो आप कर ही दोगे ना सबसे पहले हम माइनस करेंगे वन दैन सात उन्नीस एक सात उन्नीस पहले माइनस करेंगे वन देन सेवन दैन नाइनटीन देन थर्टी सेवन सिक्सटी वन दैन नाइन्टी वन दैन वन ट्वेंटी सेवन वन सिक्सटी नाइन टू वन सेवन दैन टू सेवन वन तो बस आप ये नंबर आप याद कर लें ठीक है आपका काम बन जाएगा चलिए रब करता हूँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मतलब फर्स्ट पार्ट थ्री फोर थ्री देख के आपको समझ में आ गया होगा ये सेवन का है सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन होता है थ्री फोर थ्री लेकिन हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से करना है तो आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है मैं वैसे ही करा रहा हूँ कुछ नहीं दिया हुआ आपकी बुक में स, खाली स्टार्ट कर दिया थ्री फोर थ्री सबसे पहले वन माइनस करते हैं कितना आ गया थ्री फोर फिर ऐसे कर दिया अगला मतलब ये सेपरेट कर रहा है मतलब आप अगला कर लो या तो ऐसे कर लो या ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे ऐसे कर लो आप ऐसे कर लो। आप ऐसे करोगे तो आपका पेज बचेगा ऐसे ऐसे करोगे तो आपका पेज जल्दी खत्म होगा ठीक है इसमें से इसको माइनस कर दिया आपने इसके बाद आप क्या करोगे ठीक है जो है वो लिखेंगे थ्री फोर टू है अगला नंबर वन के बाद माइनस करने में क्या आता है वो आता है हमारा सेवन ठीक है अगर आप भूल जाए तो आप जो मैंने आप अभी आपको सिखाया था वो कर लेना सेवन माइनस करेंगे ठीक है सो so, हमने क्या कर दिया थ्री फोर टू में से हम माइनस करेंगे सेवन तो बारह में से सात गए कितने बजे आठ नौ दस ग्यारह बारह पाँच बजे अब ये चार था तो ये हो गया हमारा तीन ये तीन है तो ये तीन ही रहेगा हमारा ठीक है थ्री थ्री फाइव अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए थ्री थ्री फाइव में से क्या माइनस करेंगे सेवन के बाद अगला नंबर माइनस करने वाला हमारा कौन सा था उन्नीस कौन सा था हमारा उन्नीस था तो आप उन्नीस को माइनस करोगे आपका आंसर कितना आएगा थ्री वन सिक्स फिर दोबारा ऐसे करेंगे फिर थ्री वन सिक्स में से अगला जो नंबर था आपको माइनस करने वाला वो बताइए कितना था वो था आपका थर्टी सेवन तो आपको ये भूलना नहीं है ये आपको याद रखना है अगर आप भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा तो आपका कितना आ जाएगा टू सेवन नाइन ठीक है तो टू सेवन नाइन में से अगला जो नंबर था आपका माइनस करने वाला कौन बताएगा टू सेवन नाइन में से अगला नंबर हमारा माइनस करने वाला कितना था या कोई बता सकता है वो हमारा था सिक्सटी वन तो ये आ जाएगा टू वन एट ठीक है इसके बाद ऐसे अब टू वन एट में से जो सॉरी टू वन एट में से जो हमारा अगला नंबर है माइनस करने वाला वो हमारा कितना था वो तो हमारा नाइन्टी वन थोड़ा आप याद कर सकते हैं उसमें थोड़ा पैटर्न भी बन जाता है ठीक है पैटर्न कैसे बन जाएगा पैटर्न थोड़ा ऐसे बन जाएगा भाई जैसे फॉर एक्जाम्पल आपने मतलब पैटर्न वैसा नहीं बनेगा लेकिन ऐसे अपने माइंड में सेट करने के लिए पैटर्न बना सकते हैं वन ट्वेंटी सेवन बचेगा वन है सात है सारे के सारे देखो आप ऑड नंबर आ रहे हैं है ना वन सात उन्नीस थर्टी सेवन सिक्सटी वन नाइन्टी वन ये तो आपको याद हो जाएगा इजीली तो दो याद हो जाएंगे एक के बाद सिक्सटी वन के बाद नाइन्टी वन आएगा सिक्सटी वन नाइन्टी वन सिक्सटी वन नाइन्टी वन है ना ऐसे उन्नीस सताइए थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा इसका हम बन नहीं था सिक्सटी वन नाइन्टी वन ठीक है अच्छा वन ट्वेंटी सेवन हो गया वन ट्वेंटी सेवन के बाद हम क्या करेंगे वन ट्वेंटी सेवन ठीक है सॉरी नाइन्टी वन के बाद अगला नंबर जो हमारा क्या होता है माइनस करने वाला वो क्या होता है? होता है हमारा वो होता है हमारा 1.27 कितना आ गया अरे तो जीरो आ गया तो बस जीरो तक हमें पहुंचना था किसी भी तरीके से जब आप जीरो पे पहुंच जाएंगे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन टू गेट जीरो सिंपल आपकी बुक में थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है वो नहीं लिखना नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन टू गेट जीरो इक्वल्स टू कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हैं कितने हैं सात हैं और लिख देंगे हैंस क्या लिख दोगे हैंस थ्री फोर थ्री ये क्यूब रूट कर देते हैं किसका सेवन का ये आपको करना है ठीक है जी समझ में आ गया होगा आप चलिए अब करते हैं चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका ये है हमारा पाँच सौ बारह ये पाँच सौ बारह आठ का होता है आठ को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे पाँच सौ बारह आएगा लेकिन हमें सक्सेसिव सपट्रैक्शन से, से करना है तो सबसे पहले पाँच सौ बारह में से माइनस करेंगे एक तो हमारा आएगा पाँच सौ ग्यारह ठीक है फिर पाँच सौ ग्यारह में से माइनस करेंगे अपना सात तो हमारा आएगा पाँच सौ चार सात चार ग्यारह होते हैं ठीक है फिर पाँच सौ चार में से हम माइनस करेंगे अपना क्या सात को तो हमारा क्या माइनस करना था उन्नीस उन्नीस माइनस करेंगे तो हमारा आएगा फोर एट फाइव ठीक है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ठीक है फोर एट फाइव में से आप माइनस क्या करोगे उन्नीस के बाद हमारा अगला नंबर कौन सा होता है वो था हमारा थर्टी सेवन ठीक है तो फोर तो फोर एट फाइव में से आप माइनस कर दीजिए सिंपली थर्टी सेवन तो कितना आएगा आपका तो आपका आएगा फोर फोर एट तो लिखिए फोर फोर एट ठीक है अब यहाँ पे फोर फोर एट में से जो अगला नंबर हमें माइनस करना है वो होता है हमारा सिक्सटी वन ठीक है तो इसमें से आप सिक्सटी वन माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा आपका आंसर आएगा थ्री एट सेवन थ्री एट सेवन दोबारा से अब थ्री एट सेवन में समय क्या माइनस करना है मैंने बताया था सिक्सटी वन के बाद अगला नंबर कितना आता है नाइन्टी वन ये तो आपको याद हो गया होगा जल्दी से क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा एक टाइप से सिक्सटी वन नाइन्टी वन याद करने में ईजी लग रहा है टू नाइन सिक्स हो गया ठीक है अब टू नाइन सिक्स में से आप माइनस करेंगे कितना नाइन्टी वन के बाद अगला नंबर था वन ट्वेंटी सेवन याद रखना ठीक है नाइन्टी वन के बाद अगला नंबर क्या था हमारा वन ट्वेंटी सेवन अगली इससे पहले वाले क्वेश्चन में वन ट्वेंटी सेवन पर खल्लास हो गया था हमारा ठीक है वन सिक्स नाइन आ जाएगा वन सिक्स नाइन में से आपको माइनस करना है तो वन ट्वेंटी सेवन अगला नंबर कितना होता है हमारा वन सिक्स नाइन होता है तो कितना गया जीरो ठीक है zero, तो आठ में आया एक दो तीन चार पांच छः सात आठ तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस टू गेट जीरो इक्वल्स टू एट हैंस पाँच सौ बारह ये हमने बनाया यहाँ पे क्यूब रूट कितना होता है ये हमारा आंसर हो गया ठीक है जी चलिए इसको रब आप कर देते हैं इसका एक पार्ट और बचा है क्वेश्चन नंबर फोर का सेवन बी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा जो वन सेवन टू एट है थर्ड पार्ट वो हमें करना है वन सेवन टू एट ठीक है जी तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कैसे करेंगे जैसे हमने पहले फर्स्ट टू पार्ट्स किए हैं इसको भी हमें एज इट इज वैसे ही करना पड़ेगा देखिए वन सेवन टू एट ये हमें सॉल्व करना है ठीक है ना तो कैसे करेंगे देखिए वन सेवन टू एट माइनस वन तो कितना आएगा वन सेवन टू सेवन ठीक है वन सेवन टू सेवन में अगला क्या माइनस करना है सेवन माइनस करना है ठीक है तो कितना आएगा वन सेवन टू जीरो वन सेवन टू ज़ीरो में उसके बाद हमें क्या माइनस करना होता है नाइनटीन तो कितना आएगा वन सेवन ज़ीरो वन सो वन सेवन जीरो वन में से नाइनटीन के बाद हमें क्या नंबर माइनस करना होता 37. So, है थर्टी सेवन तो कितना आएगा थर्टी सेवन माइनस कीजिए वन सिक्स सिक्स फोर आएगा वन सिक्स सिक्स फोर में से हमें अगला क्या माइनस करना है सिक्सटी वन तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा वन सिक्स ज़ीरो थ्री वन सिक्स जीरो थ्री में से अगला हमें माइनस करना होता है नाइन्टी वन ठीक है जी तो हमारा कितना आ जाएगा आ जाएगा हमारा वन फाइव वन टू वन फाइव वन टू नाइन्टी वन के बाद हमें क्या माइनस करना होता है वन ट्वेंटी सेवन तो माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका वन थ्री एट फाइव वन थ्री एट फाइव के बाद आपको क्या माइनस करना होता है चलिए सॉरी वन थ्री एट फाइव यहाँ पर लिखेंगे वन ट्वेंटी सेवन के बाद आपको क्या माइनस करना होता है वन सिक्सटी नाइन तो कितना आ जाएगा माइनस करके देखिए इसको वन टू वन सिक्स आएगा तो वन टू वन सिक्स यहाँ पे लिखेंगे तो वन सिक्सटी नाइन के बाद हमें क्या माइनस करना होता है टू वन सेवन तो कितना आ जाएगा या आ जाओ नाइन 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 इसके बाद हमें क्या माइनस करना है तो कितने हो गए देखो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए ठीक है आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना उसमें भी नाइन्थ तक दे रखा है अब नाइन के आगे क्या करना है देखो अभी टेंथ आगे ना देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस का निकालना, निकालना निकाल लेंगे दस का क्यूब माइनस नौ का क्यूब ग्यारहवीं का निकालना होगा तो ग्यारह का क्यूब माइनस दस का क्यूब ऐसे बारह का निकालना होगा तो बारह का क्यूब माइनस ग्यारह का क्यूब तो दस का क्यूब कितना होगा इतना और नाइन का क्यूब कि कितना तो होगा देखो नाइन नाइन जी एटी वन एटी वन नाइन जो नाइन वन से नाइन एट नाइन सेवन टू नाइन कितना हो गया सेवन टू नाइन तो थाउजेंड में से सेवन टू नाइन माइनस कर देते हैं टेन में से नाइन गए वन यहाँ पे अच्छा नाइन नाइन में से टू गए हमारे कितने आएंगे नौ में से दो तो गए सात आएंगे ठीक है और यहाँ पे अच्छा नाइन नाइन में सेवन गए टू टू सेवेंटी वन आ गया कितना आ गया टू वन तो नाइन 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 में से माइनस करेंगे हम टू सेवेंटी वन ठीक है जी तो कितना आ जाएगा इसको माइनस करके देखो सेवन ट्वेंटी एट आ जाएगा ठीक है अच्छा अब हम पहुंच गए इलेवन पे सेवन टू एट ये इलेवन है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन इलेवन वाले में क्या करते हैं इलेवन क्यूब माइनस टेन क्यू ठीक है 11 Q, कितना हो जाएगा इलेवन का क्यों कितना होता है वन थ्री थ्री वन होता है और टेन का कितना होता है थाउजेंड होता है ठीक है सो वन थ्री थ्री वन में से थाउजेंड माइनस कर दो थ्री थ्री वन आ जाएगा कितना आ जाएगा थ्री थ्री वन तो माइनस करो थ्री थ्री वन ठीक है अगला निकाल यह कितना आएगा आपका थ्री नाइन सेवन ठीक है उसी तरीके से आप ट्वेल्थ का निकाल लोगे तो ट्वेल्थ का जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको थ्री नाइन सेवन ही आएगा सॉल्व करके देख लेना ठीक है आपको थ्री नाइन सेवन ही आएगा ठीक है ठीक है तो यहां पे लिखेंगे हम थ्री नाइन सेवन माइनस थ्री नाइन सेवन आंसर हो गया जीरो तो जीरो तक तो पहुँचने में कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने हो गए बारह ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिखा था नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस ठीक है टू गेट जीरो कितनी ट्वेल्व एंड वन सेवन टू एट का क्यूब इक्वल्स टू ट्वेल्व ट्वेल्व इसका आंसर हो गया ठीक है चलिए इस पर आप कर देते हैं चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ फाइन दिस स्मॉलेस्ट नंबर डेट मस्ट बप्ट्रेक्टेड फ्रॉम सेवन नाइन टू टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ऑल्सो फाइन द क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब देखिए जी हमें इसमें क्या करना है फाइन द स्मॉलेस्ट नंबर हमें छोटा नंबर निकालना है जिसको सप्ट्रैक्ट किया जाएगा सेवन नाइन टू में से इसका मतलब सेवन नाइन टू परफेक्ट क्यूब नहीं है इसमें से हमें सेवन नाइन टू में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब जाके बनेगा हमारा ये परफेक्ट क्यूब तो इसने बोला कि बताओ वो क्या नंबर है जो आप माइनस करोगे ऑल्सो फाइन द क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब और वह जो नंबर माइनस करने के बाद न्यू नंबर बनेगा फिर तो उसका हमें वो भी निकालना होगा परफेक्ट क्यूब तो देखिए कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है ना क्वेश्चन नंबर फोर उसी तरीके से इसको कीजिए आप सिंपल क्योंकि देखो तो ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ अगर आप दे, देखोगे एग्जाम्पल नंबर सेवेंटीन सेम दिया हुआ है ठीक है तो क्या करेंगे सबसे पहले हमारा चलिए नंबर क्या है हमारा सेवन नाइन सेवन नाइन टू है तो सेवन नाइन टू में से हम वन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सेवन नाइन वन हो जाएगा हमारा ठीक है जी चलिए हमारा सेवन नाइन वन हो गया अब सेवन नाइन वन में से हम माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे अगला नंबर होता है हमारा सेवन ठीक है तो इसमें जब आप सेवन माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेवन एट फोर लिखिए अब आप सेवन एट फोर में से अगला नंबर जो माइनस करेंगे वो होता है आपका नाइनटीन तो लिखिए यहाँ पे सेवन एट फोर माइनस नाइनटीन इसमें से माइनस कीजिए देखिए कितना आएगा आपका नाइनटीन इसमें जो आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा सेवन सिक्स फाइव तो आप लिखेंगे यहां पे सेवन सिक्स फाइव नाइनटीन के बाद जो नंबर आपको माइनस करना होता है वो कितना होता है आपका वो होता है आपका थर्टी सेवन ठीक है तो लिखिए कितना आंसर आएगा आपका सेवन टू एट सेवन टू एट थर्टी सेवन के बाद आपको क्या माइनस करना होता है आपको माइनस करना होता है सिक्सटी वन ठीक है तो यहां पे लिखिए सिक्सटी वन अब सेवन ट्वेंटी एट में से सिक्सटी वन को आप माइनस करके देखिए कितना आएगा आपका आंसर आएगा सिक्स सिक्स सेवन तो सिक्स सिक्स सेवन यहाँ लिख देंगे सिक्सटी वन के बाद अगला नंबर होता है हमारा नाइन्टी वन ठीक है अब सिक्स सिक्स सेवन में से अगर आप करेंगे नाइन्टी वन को माइनस तो आपका आंसर कितना आएगा फाइव सेवन सिक्स अब ये फाइव सेवन सिक्स को हम यहाँ लिख देंगे ठीक है नाइन्टी वन के बाद जो अगला नंबर है वो हमारा कितना है वन ट्वेंटी सेवन जिसको निकालना नहीं आता कैसे निकालेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्यूब माइनस सिक्स क्यू वन ट्वेंटी सेवन हो जाएगा ठीक है तो अब हम फाइव सेवन सिक्स में से वन ट्वेंटी सेवन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फोर सॉरी फोर फोर नाइन ठीक है फोर फोर नाइन में से वन ट्वेंटी सेवन के बाद हमारा अगला नंबर होता है वन सिक्स नाइन ठीक है तो फोर फोर नाइन में से आप माइनस कीजिए वन सिक्स नाइन तो देखिए कितना नंबर आएगा आपका आपका नंबर आएगा माइनस कीजिए टू एट ज़ीरो ठीक है जी यहाँ पे लिखेंगे हम टू एट जीरो अब हमारा वन सिक्स नाइन के बाद अगला नंबर क्या होता है माइनस करने वाला वो होता है हमारा टू वन सेवन ठीक है अब लिखिए यहाँ पे टू वन सेवन टू वन सेवन ठीक है जी तो माइनस कर देते हैं इसमें से टू वन सेवन तो कितना नंबर आएगा हमारा हमारा नंबर आएगा सिक्सटी थ्री ठीक है अब सिक्सटी थ्री में आप क्या अगला नंबर टू वन सेवन के बाद माइनस करने वाला क्या आता है अगर अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था ठीक है तो वो सिक्सटी थ्री से बड़ा आएगा देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस का है नहीं याद तो कैसे निकालते हैं याद नहीं तो कैसे करेंगे अट्टे दसवें नंबर पे आ रहा है तो टेन का क्यूब कितना होता है इतना और नाइन का क्यूब कितना होता है ये होता हमारा सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस का दिए दस में से नौ गया एक नौ में से दो गए सात नौ में से सात गए दो टू सेवेंटी वन तो सिक्सटी थ्री से बड़ा नंबर हो गया इसका मतलब हमें यहीं तक रुक जाना है तो जो नंबर रिमेनिंग होगा मतलब जैसे यहाँ पर सिक्सटी थ्री आया है अब अगला स्टेप अगर मैं करूँगा तो वो नंबर वो करने का अगला स्टेप होगा नहीं क्योंकि सिक्सटी थ्री छोटा नंबर है तो इसी नंबर को हम बोल देंगे यही हमारा वो नंबर जिसने जो इसने बोला था फाइन स्मॉलेस्ट नंबर यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे देखो हम कैसे लिखेंगे आपके एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है थोड़ा उस टाइप से कराने की मैं कोशिश करूंगा ठीक है टू बी सब्ट्रेक्टेड जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री में से अगला नंबर जो सप्लेक्ट करना वो कितना है टू सेवेंटी वन. अगला नंबर कितना यहाँ पे? टू सेवेंटी वन आएगा बट टू सेवेंटी वन ग्रेटर देन किससे सिक्सटी थ्री से ठीक है ये हो गया. हैंस. यही जो नंबर होगा सिक्सटी थ्री मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से माइनस करना पड़ेगा सेवन नाइन टू में से हमारा सेवन नाइन टू टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है यहां तक तो आपको आ गया इसमें क्या होगा जिसमें बोलेंगे सप्ट्रैक्ट करना ऐड करना उसमें क्या होगा कुछ ना कुछ एंड में बचेगा यहाँ पे सप्ट्रैक्ट करने वाले भी देखिए पहले अभी हम सीख रहे हैं सप्ट्रैक्ट वाला सब्ट्रैक्ट वाले में क्या होगा जो नंबर बचेगा हम उसके बाद लिख देंगे नेक्स्ट नंबर टू बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम इसमें से जो अगला नंबर यहाँ पे आने वाला है वो नंबर हम नहीं लिख देंगे यहाँ पे ठीक है फिर लिखेंगे बट ये नंबर तो बड़ा है इससे हैंस सिक्सटी थ्री मस्ट बी सप्ट्रैक्टेड फ्रॉम इसमें से मतलब जो हमारा ऑरिजिनल नंबर था इसमें से माइनस करना चाहिए माइनस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा ये परफेक्ट क्यूब हमारा बन जाएगा ठीक है तो ये समझ में आ गया आपको इसके बाद देखिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको ठीक है ये वाली लाइन में रब कर रहा हूँ अब देखिए हमें सिक्सटी थ्री माइनस करना है ठीक है ना किस में से माइनस करना है जो हमारा ओरिजिनल देखिए फिर कैसे लिखेंगे सो सेवन नाइन्टी टू है हमारा सेवन नाइन्टी टू में से माइनस करेंगे आप सिक्सटी थ्री ठीक है जी तो कितना आएगा देखिए सेवन नाइन्टी टू में से सिक्सटी थ्री को आप माइनस कीजिए बारह में से तीन गए नौ तो यहाँ से कह लिया तो आठ में छः गए दो सेवन कितना हो गया सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है जी <coughs> तो उसके बाद आप लिखोगे सेवन ट्वेंटी नाइन है ना इसके आप फैक्टर लिख दोगे मतलब तो आपको याद है तो ठीक है नहीं याद है तो आप करके देख लेना जैसे वो गए सेवन टू नाइन हो गया तो नौ और सोलह सत्रह अठारह ठीक है अठारह हो रहा है तो तीन से जाएगा हमारा फॉर एग्जाम्पल तीन दोनों छः वन कैरी आ गया ठीक है तो वन कैरी आ गया तो तीन थ्री थ्री फोजा ट्वेल्व थ्री थ्री जी नाइन ठीक है एट्टी वन हो गया थ्री से करोगे ट्वेंटी सेवन हो गया थ्री से करोगे नाइन हो गया थ्री से करोगे थ्री हो गया थ्री से करोगे वन हो गया एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है मतलब नाइन हो गया बेसिकली नौ हो गया नाइन हो गया चलिए तो आप लिखोगे ये हो गया तो इसके फैक्टर्स आप लिख दोगे कितने होते हैं इसके फैक्टर्स एक दो तीन चार पाँच छः ये फैक्टर होते हैं आप देखिए बन गया तीन का ग्रुप तो हमारा क्या हो गया ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया इसके बाद लिखना हैंस सेवन टू नाइन क्यूब यहाँ पे भी क्यूब लगा देंगे फिर है ना जी ये बाहर ये बाहर थ्री मल्टीप्लाई थ्री इजिकल्स टू नाइन तो नाइन आंसर आ गया ठीक है इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है चलिए इसको रब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडिट ठीक है टू फोर हंड्रेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब सेम है बस हमें इसमें नंबर ऐड करना है फोर फोर हंड्रेड के बारे में बात चल रही है तो लिखेंगे फोर हंड्रेड माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री नाइन नाइन ठीक है ऐसे हो गया हमारा फिर हम लिखेंगे थ्री नाइन नाइन में से हमने सेवन माइनस किया तो कितना हो जाएगा थ्री नाइन नाइन में से हमने गया टू थ्री नाइन्टी टू तो, ठीक है थ्री नाइन्टी टू में सेवन के आ रहा नंबर कौन सा आता है अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी आता है हमारा नाइन्टीन ठीक है तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना नाइनटीन तो नाइनटीन नाइनटीन माइनस तो कितना बचेगा हमारा थ्री सेवन थ्री ठीक है थ्री सेवन 19 के बाद हमारा जो अगला नंबर होता है वो कितना होता है हमारा होता है हमारा 37 सेवन इसमें से हम थर्टी को माइनस कर देंगे ठीक है तो लिखिए 37 तो माइनस करके कितना आएगा माइनस करके देखो थ्री थ्री सिक्स आएगा थ्री थ्री सिक्स थर्टी सेवन के बाद अगला नंबर होता है हमारा सिक्सटी वन ठीक है अगला नंबर होता है हमारा नाइन्टी वन है ना ऐसी होता है ना तो थ्री थ्री सिक्स में से माइनस कर देंगे सिक्सटी वन हमारा कितना आएगा टू सेवेंटी फाइव टू सेवनटी फाइव में से माइनस करेंगे कितना नाइन्टी वन जब नाइन्टी वन माइनस करेंगे तो हमारा कितना नंबर आएगा वन एटी फोर आएगा अब वन एटी फोर को यहाँ लिख लेंगे अब नाइन्टी वन के बाद हमारा जो अगला नंबर होता है वो तो हमारा वन ट्वेंटी सेवन अगर तुम ये भूल जाओ तो मैंने आपको रूल सिखा दिया कि आप निकालेंगे कैसे ठीक है ना तो निकालने में बहुत आ, कोई बहुत बड़ा मतलब चैलेंज नहीं बहुत सिंपल है कैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात सातवें नंबर पर है सात का क्यूब माइनस छः का क्यूब फिफ्टी सेवन निकालेंगे फिफ्टी सेवन के बाद जो सॉरी वन ट्वेंटी सेवन के बाद अगला नंबर जो होता है जो हम माइनस करते हैं वो होता है हमारा वन सिक्सटी नाइन कितना होता है वन सिक्सटी नाइन तो अगर आप बड़ा नंबर हो गया तो देखिए कैसे लिखेंगे जब बड़ा नंबर हो जाता है तो ऐसे लिखते हैं द नेक्स्ट नंबर ठीक है टू बी सब्ट्रैक्टेड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिफ्टी सेवन इज फिफ्टी सेवन में से हमें अगला नंबर माइनस करना है वन ट्वेंटी सेवन के बाद हमारा नंबर कौन सा आता है हमारा वन ट्वेंटी सेवन के बाद आता है वन सिक्स नाइन इज वन सिक्स नाइन ठीक है बट वन सिक्स नाइन इज ग्रेटर देन फिफ्टी सेवन ठीक है Hence, तो इसमें ऐड करना है इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था ठीक है इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें ऐड करना है समझ में आया आपको या नहीं आया समझ में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने किया था उसमें हमें क्या करना था उसमें हमें सप्ट्रैक्ट करना था तो जो नंबर बचता था उस नंबर को हम इसमें से क्या करते थे सप्ट्रैक्ट किया करते थे लेकिन ये हमारा ऐड वाला है तो ऐड वाले में हम क्या करेंगे जो नंबर बचा है हमारा ध्यान देना हमारा जो नंबर बचा है वो नंबर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किस में से इसमें से नहीं जो अगला नंबर हमारा आने वाला है उसमें से समझो दोबारा से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में किया था जब हमें बोला गया था कि सप्रैक्ट करना है इस नंबर को माइनस करते थे इस वाले नंबर में से मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर हुआ करता था जो क्वेश्चन में हमें दिया करता था लेकिन अगर ये बोलेगा आपको ऐड करना है तो जो नंबर बचेगा उसको आप माइनस करोगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर बचा है और अगला नंबर आने वाला कौन सा था जिसमें से माइनस करना था ये तो हम माइनस करेंगे वन में से ही माइनस करेंगे इस नंबर को पहले माइनस कीजिए ठीक है तो देखिए वन सिक्स नाइन में से फिफ्टी सेवन को माइनस करोगे नौ में से सात गए दो छः में से पाँच गए एक कितना हो गया एक सौ बारह एक सौ बारह हो गया अब ये जो नंबर आपका आएगा माइनस करने के बाद ध्यान देना माइनस करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आप लिख दोगे क्या माइनस किया वन वन टू मस्ट बी एडेड मस्ट बी एडेड टू फोर हंड्रेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब ठीक है तो एक सौ बारह को ऐड कर देंगे सो चार सौ माइनस एक सौ बारह सॉरी ऐड करेंगे ना तो, है तो, तो ये हमारा पाँच सौ बारह ठीक है यहाँ तक समझ में आया ये पाँच सौ बारह जो होता है ना ये किसका होता है आपको पता होगा ये एट का होता है वैसे मगर आप इसके एलसीएम निकाल के करना चलो मैं इतना हो गया इसके बाद में अगले पेज इतना हो गया इसके बाद में रब करके कराता हूँ अब देखिए पाँच सौ बारह आ गया ना सो पाँच सौ बारह इसके यहाँ पे वो लिखेंगे फैक्टर तो साइड में कर लो ये पाँच सौ बारह टू से कर लो ठीक है तो दो दोनों चार वन करी टू फाइव जो टेन वन करी टू सिका ट्वेल्व ठीक है टू से कर लो टू वन जा टू टू जो फोर टू एट जो सिक्सटी टू सिक्स ट्वेल्व टू फोर जो टू थ्री ज़ा टू ज़ा वन ज़ा सिक्स ज़ा एट जा फोर ज़ा टू ज़ा टू ज़ा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ आ गए क्या आ गए नौ दो आ गए ठीक है तो दो को लिखेंगे नौ बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये तीन ये तीन ये तीन ठीक है पाँच सौ बारह यहाँ पे लगाएंगे क्यूब रूट तो यहाँ पर एक दो पेन बना के मैं दिखा रखा है एक दो तीन एक दो तीन ठीक है तो कितना हो गया हमारा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू हो गया एट हमारा आंसर आ गया ठीक है जी तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं सोलअप कर क्वेश्चन नंबर सेवन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज इतना तो पहले लिख लेंगे वॉल्यूम अ क्यूबिकल बॉक्स कितनी है जी वॉल्यूम टू नाइन सेवन नाइन वन अपॉन में टू वन सिक्स मीटर का क्यूब ठीक है फाइन इट साइड इसकी जो हमें साइड है वो हमें निकालनी देखिए एक होता हमारा क्यूब एक होता हमारा क्यूबाइड क्या होता है क्यूबॉइड क्यूब हमारा बनता है स्क्वायर को मिला के ठीक है ये स्क्वायर होते हैं इनको मिला के कितने छह स्क्स को मिला के जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो लोग बड़ा सा बनाता हूँ ये देखो ऐसे ही वाली वाली फिगर बना ये फिगर आपको आती होगी इसके अंदर छ वो हैं इसको बोलते हैं क्यूब या फिर आपके पास है ना क्यूब खेलने वाला वो क्यूब होता है उसमें चेक करना छह साइड्स होती हैं एक आगे वाली एक पीछे वाली ठीक है एक इधर वाली एक इधर वाली एक ऊपर वाली एक नीचे वाली छः होती हैं आपके पास अगर क्यूब होगा ना खेलने वाला जो होता है उसमें बनाते हैं ऐसे कलर वगैरह कलर वगैरह होते हैं उसमें उसमें छः साइड्स होती हैं याद रखना क्यूब्स में छः साइड्स होती हैं वो छः की छः साइड्स बराबर होती हैं आपका जो क्यूब होगा आपके घर में या आपने कभी खेला होगा या आपको पता होगा क्यूब के बारे में तो उसमें देखना सारी की सारी साइड उसमें वर... कैसी होती हैं बराबर होती है। हैं वो स्क्वायर होता है क्यूबैर्ड में क्या होता है क्यूबर्ड में भी छः साइड्स होती हैं मगर क्यूबर्ड में रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल होता है जैसे मान लीजिए क्यूबर्ड ऐसे बनेगा आपका थोड़ा ऐसे ऐसे बनेगा इसमें साइड बराबर नहीं होंगी इसमें बराबर होंगी इसमें बराबर नहीं होंगे ठीक है तो क्यूब के बारे में इसने बोला है क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब से बना हुआ बॉक्स तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स कितना है इतना तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ठीक है तो देखिए आप लिखना वॉल्यूम ऑफ साइड में निकालनी है ठीक है ये मैं निकाल ली थी ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ये होता है हमारा ए की पावर ए बोलो साइड और साइड लिख दो चलो साइड बोलो साइड लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड या तो ऐसे लिख लो या फिर साइड की पावर तीन या ऐसे लिख लो तुम्हारी मर्जी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो याद रखना है ठीक है तो अब तो हम लिखेंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स क्या इतना होगा साइड की पावर तीन इसके बराबर होगा टू नाइन सेवन नाइन वन अपॉन्टमेंट टू वन सिक्स मीटर का क्यूब देखो ये वाली मैंने लाइन बढ़ाकर लिखी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स मतलब ये इ, इसका फॉर्मूला तो यही हो गया ना ये मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है तो थ्री को वहाँ भेज देंगे साइड इक्वल्स टू थ्री वहाँ जाके क्या हो जाएगा मैंने बताया था आपको जब हमारा स्क्वायर होता है तो बॉर्डर पार करके स्क्वायर रूट बन जाता है क्यूब होता है तो क्यूब बॉर्डर पार करके क्या बन जाता है क्यूब रूट बन, बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ये ठीक है और ये मीटर क्यूब यहाँ पे है ही तो मीटर क्यूब के ऊपर आ गया ऐसे बन गया ठीक है इसके बाद देखिए आपको क्या करना है फॉर एग्जाम्पल ये ऑड नंबर है तो नौ अठारह नौ अठारह बीस सत अठाईस अट्ठाईस तीन से जानी रहा ये फाइव से बन जाएगा सेवन से बन जाएगा नाइन से बन जाएगा ठीक है इसको क्यूब रूट ढूंढ मतलब किसका ये वो है क्यूब तो ढूंढ लीजिए देखिए आखिरी में वन है तो वन है ना ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन देखो ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से करो मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिसके आखिरी में बनाता हो ये उसी का होगा ठीक है तो देखो ग्यारह का नहीं है इक्कीस का करके देखो इक्कीस का भी नहीं है इक्कीस के बाद अगला नंबर क्या बन वाला थर्टी वन थर्टी वन का करके देखो थर्टी वन का ही निकलेगा देखो थर्टी वन थर्टी वन वन से करेंगे तो थर्टी वन थ्री वन जो थ्री 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 नाइन तो वन थ्री थ्री सिक्स नाइन इसको दोबारा थर्टी वन से कर लो वन से करेंगे तो नाइन सिक्स वन आ जाएगा थ्री वन जा थ्री थ्री सिक्स जा एट्टीन का एट वन कैरी थ्री नाइन सेवन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट ठीक है तो करो वन छः नौ आठ सोलह सत्रह आठ अठ सोलह आठ आठ सोलह एक सत्रह सत्रह वन कैरी नौ टू नाइन सेवन नाइन वन थर्टी वन का आ गया ना इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो किसका तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए मैं क्यूब से बाहर निकाल रहा हूँ इसको ऊपर वाला ये जो क्यूब है ना दोनों का क्यूब है तो ऊपर वाला टू ना टू नाइन सेवन वन किसका थर्टी वन मल्टीप्लाई थर्टी वन मल्टीप्लाई थर्टी वन ठीक है ये 261, है दो सौ सोलह तो सिंपल है किसका होगा ये देखो ये सिक्स का है सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स 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 थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को सिक्स करो सिक्स एक्सर थर्टी सिक्स का सिक्स थ्री करी छः अठारह उन्नीस बीस इक्कीस किसका है सिक्स का सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स ठीक है क्यूब रूट के अंदर ही यहाँ पे कितना है एम क्यूब ठीक है अब क्यूब रूट के बाहर निकाल रहा हूँ मैं इसको तो बाहर निकालूंगा देखो कैसे हो जाएगी बाहर निकालूंगा साइड आएगी तो साइड तीन बाहर बन के निकल जाएंगे वन तीन बाहर हो के आ जाएंगे वन एम क्यूब है तो बाहर हो के आ जाएगा एम कैसे भाई देखो एम क्यूब सॉरी एम क्यूब के मैं कैसे लिखूंगा एम मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एम तो तीन एम बन जाएंगे एक एम क्यूब रूट के जब बाहर आएगा तो बन गया तो साइड हमारी कितनी हो गई थर्टी वन अपन में ये।, ये ये हमारा आंसर हो गया बस सारी साइड इसकी सेम ही रहेंगी ये हमारा क्या है ये हमारा आंसर है चलिए क्वेश्चन हमें डेट देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स दोबारा से हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो लिख देंगे पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब का बॉक्स है क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब से बना हुआ बॉक्स फाइव सेवन सिक्स देखिए जी ये हमें दिया हुआ है ठीक है फाइन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स हमें क्या निकालनी है लेंथ लेंथ बोलो साइड बोलो एक ही बात है लेंथ ऑफ दॉक्स फाइन लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड साइड की लेंथ मतलब एक ही बात है साइड निकाल दो ऑफ द बॉक्स ठीक है जी हमें निकालनी है कैसे करेंगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोई भी अगर क्यूब है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है सॉरी कितना फॉर्मूला होता है उसका साइट की पावर तीन डायरेक्ट लिखो ठीक है साइट की पावर तीन तो लिखेंगे हैंड्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मतलब साइट की पावर तीन कितना दिया हुआ है सेवनटीन पॉइंट फाइव सेवन सिक्स एम क्यू सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे साइट को यहाँ पे पहले जैसे चल रहा है वैसे लिखिए पॉइंट को हटाया तो कितना हो गया पॉइंट जगह वन इसके आगे तीन नंबर हैं तो एक दो तीन एम ठीक है तो अब साइड है क्यूब को वहां भेजेंगे तो बन जाएगा हमारा वन सेवन फाइव सेवन, सेवन सिक्स पॉइंट तो हट चुका है और नीचे कितना है थाउजेंड है यहाँ पे कितना है एम क्यूब है और ये क्यूब रूट अब यहाँ पे आ गया ठीक है जी अब देखिए साइड अब वन सेवन फाइव सेवन सिक्स किस ना किसी का है अब देखिए कैसे करेंगे वन सेवन फाइव सेवन सिक्स ये किसना किसी का क्यूब रहा होगा एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं उसमें लंबा पड़ेगा ऐसे दिमाग लगा के सोचिए थोड़ा आखिरी में सिक्स है तो सिक्स कब आएगा आखिरी में अगर आखिरी में सिक्स है तो देखो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स 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 जै थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स होता है दो सौ स्कूला तो अगर आखिरी में सिक्स है ना मतलब 6, अगर सिक्स अगर आखिरी मतलब सिक्स का करेंगे तो देखो सिक्स आता है आखिरी में तो अगर मैं सोलह का करूंगा तो आखिरी में सिक्स है तो कहीं ना कहीं सिक्स रहा होगा छब्बीस का करूंगा तब्बी सिक्स थर्टी सिक्स का मतलब आखिरी में सिक्स है तो यहाँ पे भी आखिरी में सिक्स ही आएगा ये पैटर्न है ठीक है तो सोलह का तो बहुत छोटा लग रहा है छब्बीस से आप ट्राई करके देखिए ठीक है तो छब्बीस से आप ट्राई करके देखिए सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स का सिक्स थ्री कैरी सिक्स टू जो सिक्स टू ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन टू सिक्स ट्वेल्व का टू वन कैरी टू टू जो फोर एट फाइव छः सात ट्वेंटी सिक्स से दोबारा कर दीजिए इसको सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स का सिक्स थ्री कैरी छः सत्तर बयालीस और तीन पैंतालीस का पांच चार कैरी छः छिंक छत्तीस और चार चालीस दो छिंक बारह का दो वन कैरी दो सत्तर चौदह का पंद्रह का तो पाँच हासिल को एक दो का बारह और एक तेरह कितने ही मैंने हिंदी बोली ना मेरे पापा मुझे पढ़ाई करते थे इस तरीके से छिक्का छिक्का दो छक्का दो पंजा तो मुझे याद है ऐसे तो सिक्स हो गया पाँच और दो सात ठीक है पाँच चार और तीन सात और वन वन सेवन फाइव अरे वाह छब्बीस का छब्बीस मल्टीप्लाई छब्बीस मल्टीप्लाई छब्बीस नीचे तो सिंपल है टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन नीचे और ये मीटर का क्यूब ठीक है ठीक है जी तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो ईजीली बस आखिरी का नंबर ढूंढ लेकर आखिरी का नंबर किस में आएगा ठीक है चलिए साइड पीन है तो एक हो जाएगा ठीक है और नीचे भी है तो एक हो जाएगा और ये मीटर क्यूब है तो मीटर हो जाएगा ठीक है इसका जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ था वो पॉइंट में दिया हुआ था तो साइड में हम पॉइंट में क्यों ना निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स मीटर जैसा दिया होता है ना वैसा करने की कोशिश किया करो अगर आप ऐसा निकालोगे तो भी ठीक है मगर ऐसा करना देना क्योंकि देखो तो वॉल्यूम ऐसे है तो साइड भी में ऐसे निकाल दी नीचे दस है इसलिए एक पीछे से हमने काउंट करेंगे जीरो आ गया अगर नीचे सौ होता तो क्या आंसर आता है इसका इसका आंसर ये आता फिर एक दो के बाद पॉइंट आता ठीक है तो इस तरीके से सवाल होता है तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन हुआ कंप्लीट